So hello guys, welcome to BBALLBGYAN. Thoda thoda jana. So hello guys, welcome to BBALLBGYAN. आप देख सकते हैं यहाँ पर चैनल का नाम आ रहा है, हमारी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया वीडियोस की ताकि आप देख सको कि कौन कौन से टॉपिक पर कितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं। चलो आज क्या करेंगे हम? आज हम करेंगे इधर वाटर पोल्यूशन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है जी। यूनिट टू, अभी इसका ऑब्जेक्ट क्या है इसके? वाटर पोल्यूशन, एनवायरमेंट लॉ के अंदर वाटर पोल्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं भैया? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कंट्रोल कर सके वाटर पोल्यूशन को, रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस ऑफ होलसमनेस ऑफ वाटर, मतलब पानी की स्वच्छता को हम प्रिजर्व कर सके। फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड्स, ताकि हम अथॉरिटीज बनाए कि भाई देखें कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा। फिर आता हमारा सेक्शन टू। अब टू के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है जी। सेक्शन टू का डी हमारा कहता है ऑक्यूपायर कौन होता है। सिंपल आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया तो ऑक्यूपायर कोई नहीं होता, ऑक्यूपायर फैक्ट्री का ओनर, फैक्ट्री का ओनर को हम ऑक्यूपायर कह देते हैं, ठीक है जी। सेक्शन टू का ई जो पोल्यूशन की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरूर ही लिखनी है आपने। तो सेक्शन टू का ई कह रहा है कोई भी कंटामिनेशन होगा वाटर के अंदर जिससे उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की वो चेंज हो जाए और वो हार्मफुल हो जाए, बेसिकली अनफिट हो जाए पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, तो उसको हम कहते हैं पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सिंपली। सेक्शन थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीसीबी, शॉर्ट में बोल दिया मैंने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है जी। अब ये जैसे हमने कहा ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट में अथॉरिटी हमने बनानी है, तो सीपीसीबी अथॉरिटी ही है। अब इसमें पहली बात जो आती है वो आती है इसमें मेंबर्स कितने कंसिस्ट होते हैं, कैसी कंपोजिशन है इसकी। पहला आता है भाई चेयरमैन आता है, ठीक है जी, 15 होंगे उसके अंदर मेंबर और एक होगा सेक्रेटरी। अब जो 15 है ना उसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे आपको थोड़ा, ठीक है जी, उसको देखते हैं क्या है। देखो एक तो फुल टाइम चेयरमैन हो गया, 15 को होगा डिवाइड करेंगे 5 5 3 2, ठीक है जी, 15 को 5 5 3 2, पांच बंदे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, पांच बंदे होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन इलेक्टेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, और तीन जो बंदे होंगे, हमने कहा 5 5 3 2, 5 5 हमने क्लियर कर लिया, तीन जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज वगैरह में, फील्ड के रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंस बंदे जो होते हैं एक्सपर्ट्स, और जो बाकी के दो बंदे होंगे वो होंगे कंपनी के बंदे, कि भाई कंपनीज को भी बंदे लाओ कि वो हमें बता सके कि प्रैक्टिकली क्या होता है कंपनी के अंदर में होता है। और हमने आखिरी में बोला एक फुल टाइम सेक्रेटरी, एक 15 1 1 5 5 3 2 1 ऐसे। सेक्शन चार के बारे में बात करते हैं, कुछ भी नहीं है, एसपीसीबी, हमने सीपीसीबी वाला स्टेट कंट्रोल बोर्ड वाला था वो स्टेट वाला, ये स्टेट वाला वो सेंट्रल था, ये स्टेट है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन है इसका भी, सेम वही 1 15 और 1 1 15 1 1 5 3 2 और 1, ठीक है जी। सेंट्रल बोर्ड के क्या पावर्स और फंक्शंस होते हैं, सेक्शन 16 हमको बताता है। वो कहता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर एडवाइस कर सकते हैं कि भैया पानी को इस तरीके से सफाई करी जा सकती है, इसका पॉल्यूशन इस तरीके से रोका जा सकता है, ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रीम एंड वेल, स्ट्रीम और वेल का कैसे जाना है इधर से उधर वो सारे देख सकते हैं, सर्कुलेट कैसे होना है, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्सन, भैया जो बंदे इनके अंदर हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, एस्टेब्लिश लेबोरेटरी फॉर वाटर सैंपल, भैया लेबोरेटरीज देखो चेकिंग वेकिंग के लिए लेबोरेटरी बनवाओ, टीडीएस कितना है, कलेक्ट कंपाइल एंड पब्लिश डेटा रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन, तो भाई पब्लिक कर सकते हैं डेटा को, और एक बार देख ले जरा रिकॉर्डिंग हो रही है तो बड़ा पंगा हो जाएगा फिर। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है जी, परफेक्ट, ठीक है। सेक्शन 17 कुछ नहीं बात करते, पावर्स ऑफ एसपीसीबी, वो सीपीसीबी था, सीपीसीबी के तहत सेम वही सेम है, कॉपी पेस्ट कर दो आप एसपीसीबी, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है एनवायरमेंट लॉ, सीधा कॉपी पेस्ट मारते जाओ। सेक्शन 21 के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 21 जरूर ही जरूर पूछा जाएगा, ये है पावर टू टेक सैंपल एफ्यूलेंट्स। सैंपल एफ्यूलेंट्स क्या होते हैं, कि हम वाटर का सैंपल ले रहे हैं फॉर चेकिंग पर्पसेस, कि भैया ये देखें इसके अंदर कुछ गंदगी है कि नहीं, फॉर ड्रिंक है भी या नहीं है, या ये इंडस्ट्री गंदगी तो नहीं कर रही, क्या है इसका प्रोसेस, है एक प्रोसीजर है सैंपल का, कैसे है कि जब सैंपल लिया जाता है तो उसमें एक नोटिस सर्व करना होता है किसको, ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर याद होगा आपको, बताया था ओनर, सेक्शन 2 के डी में हमने बताया था ओनर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी फैक्ट्री जो भी कह सकते हो आप, उसको एक नोटिस सर्व करेंगे कि भाई हम तुम्हारा सैंपल लेना चाहते हैं पानी का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपायर और हिज एजेंट, अगर वो नहीं आ पाते तो उसके एजेंट के
प्रेजेंस में जो है वो सैंपल ले लेगा वाटर का। अब भैया जो सैंपल लिया उसको टाइट कंटेनर में बंद करके उसके ऊपर किस किस के सिग्नेचर लेगा? एक तो वो खुद अपने सिग्नेचर डालेगा जो ऑफिशियल आया है सैंपल लेने के लिए, दूसरा ऑक्यूपायर या उसके एजेंट के सिग्नेचर लेगा, और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है सील करेगा वो जो सैंपल लिया उसे उसी के सामने, और एज सून एज पॉसिबल जो भी रीजनेबल टाइम के अंदर उसको लेबोरेटरी उसको भेजना है। अब वो सैंपल भेज दिया, उसके बाद जो भी उसमें रिजल्ट आया उसका एक रिजल्ट उसको कॉपी भेज देनी है किसको, ऑक्यूपायर को। अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन एक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है जी, ये हमारा था पूरा वाटर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन भी इसी से रिलेटेड है, आपको बता देते हैं एयर पोल्यूशन में क्या ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट के। जैसे हमने वाटर पोल्यूशन में ऑब्जेक्ट पढ़ा कि पानी को बचाना है, तो यही एयर को साफ करना है सिंपली। ठीक है जी, सेक्शन 2 का ए क्या कहता है? सेक्शन 2 का ए कहता है एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज आर कंसीडर्ड एज एयर पोल्यूशन, और जो कि इंजीरियस टू ह्यूमन है या फिर कोई अदर लिविंग क्रिएचर है। और टू का भी कहते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। भैया एयर पोल्यूशन वही जिसमें एयर पोल्यूटेंट प्रेजेंट हो। और सेक्शन ये था सेक्शन 2 का ए और बी। अब आते हैं सेक्शन 3 पे। जैसे कि आपको याद होगा हमने वाटर पोल्यूशन में भी सेक्शन 3 पढ़ा था सीपीसी, इसमें भी वही सेम है। सेक्शन 3 में सेंट्रल बोर्ड है, सेम एज सेक्शन 3 ऑफ वाटर पोल्यूशन। सेक्शन 4 सेम एज एसपीसीबी वाटर वाला जो हमने पीछे पढ़ा है हमने वाटर में। सेक्शन 5 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड, सेम वही 1-15-1 ठीक है। सेक्शन 16 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड, सेम एज वाटर पोल्यूशन जो हमने पीछे पढ़ा है। आप वीडियो को पीछे करिएगा, उसी में सारा वाटर की जगह को एयर कर दो बस। सेक्शन 17 फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड, सेम एज वाटर पोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये हमारे दो टॉपिक एनवायरमेंट के कवर हो गए। बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, सीधा एक बार पढ़ लो पूरा तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है जी, और इसमें एक और कॉमन फॉर ऑल ये है कि भैया पावर टू डिक्लेयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज। पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है बाय गिविंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वो किसी भी एरिया को पॉल्यूशन कंट्रोल्ड एरिया बता सकती है। उसका क्या इफेक्ट होगा कि भैया उस एरिया में तुम पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह काम नहीं कर सकती, कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते। तो ऑड इवन भी इसी काइंड ऑफ का इसी का एग्जांपल है कि भाई पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज को हमने दिल्ली को कर दिया, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे भाई कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है, बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन बैन कर रखी है इसने, तो वो सारे ये इसी का एग्जांपल है पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ये पावर्स होती हैं किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। तो जी यही था हमारा यूनिट 2 एनवायरनमेंट लॉ का, और बस इस वीडियो में इतना ही। और बताओ भी क्या हाल चाल, परफेक्ट यार टोटल। अब बताओ यार पसीने क्यों आ रहे हैं आपको, भाई घर में हो इनवारे यार, घर में डर रहा यार, ये तो डर रहा बंदा डरा दिया तुमने यार। तो फाइनली यार एनवायरमेंटल लॉ यूएन 2 हमने कंप्लीट कर दिया, डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग आप जरूर पूछिए, बिल्कुल कमेंट्स आपके लिए बना है और कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है, और पीछे वाटर पोल्यूशन को अच्छे से कर ले आपके लिए बना है। वाटर पोल्यूशन आप वाटर पोल्यूशन में जो पढ़ा है वो बिल्कुल एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है एयर पोल्यूशन में, सेक्शंस तक सेम है और क्या बताएं आपको, पूरा प्रोसीजर सेम है। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBALLBGYAN, प्रतीक शर्मा एंड मेहुल जैन साइनिंग आउट। अरे यार एक चीज बोलना भूल गया, तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहुल जैन। चलो ये आ गया भैया चैनल, इसको कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई, भूल मत जाना यार ताकि नोटिफिकेशन आए। चलो बाय बाय, थैंक यू।